कभी बनती ही नहीं फेरारी, लेकिन एक रेस ने बदल दी ऑटोमोबाइल की दुनिया, बनी दुनिया की फास्टेस्ट कार, जिस लाल रंग की कार का सपना पाले सभी घूमते हैं, जिसे बस एक बार चलाने की ख्वाहिश सभी की होती है, जो रईसों का शौक और रेसर्स की पहली पसंद है, वो कार है फरारी। घोड़े का निशान और लाल रंग, ये फरारी की अकेली पहचान नहीं है। तेज स्पीड, पावरफुल इंजन और ऐसे लुक्स जो किसी को भी दीवाना बना दें, ये है फरारी की पहचान। ये वो कंपनी है जो साल में केवल कुछ ही कारें बनाती है। इस कंपनी का मानना है कि यदि ज्यादा कारों का निर्माण किया गया तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। कंपनी की ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी काम भी करती है। फरारी की जितनी कारें मैन्युफैक्चर होती हैं, उससे कहीं ज्यादा उसकी डिमांड होती है। कई बार लोगों को 2 से 3 साल तक फरारी का मालिक बनने का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतनी बड़ी कार की कंपनी खड़ी करने से पहले इसके फाउंडर ने गरीबी में दिन निकाले, जगह जगह नौकरी की और फिर वे एक रेसर बन गए। बाद में ऐसी ही एक कार रेस ने उनकी दुनिया को बदल दिया। यहीं से फरारी के अस्तित्व में आने की कहानी शुरू हुई। तो आइए जानते हैं फरारी की क्या है कहानी, ये भी पढ़ें। फोर्ड को हर बार धूल चटाती थी फरारी, फिर हुई एक गांव के आदमी की एंट्री और उलट गया खेल। फिल्म भी बनी मर्सिडीज की धाकड़ रेंज वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी हुई लाइनेंज, बस चार्ज करें और भूल जाएं। लॉन्च हो गई अर्टिगा की सौतन 7 सीटर सेगमेंट में दिखाएगी अपना जादू। बीडेड ही एसयूवी की कन्नी काट रही ये छोटी गाड़ी, कीमत बस 6 लाख। बड़ी गाड़ी में क्यों फूकें 12 लाख, जब 6 लाख की कार दे रही एसयूवी वाले मजे। बचपन में ही रेसर बनने का सपना। फरारी के संस्थापक का नाम था एंजो फरारी। उनका जन्म 1898 में हुआ था। उन्हें बचपन से ही कारें अट्रैक्ट करती थी। वे जब 10 साल के थे तो अपने पिता के साथ कार रेस देखने गए थे। इसके बाद उन्होंने अपने पिता को कहा था कि वे एक दिन कार रेसर बनेंगे। हालांकि ये सपना उनका जल्द ही पूरा नहीं हो सका। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एंजो एक फायर ब्रिगेड वर्कशॉप में काम करने लगे। इसके साथ ही वे स्कूल में पढ़ाते भी थे। 1916 में एक महामारी की चपेट में आने से एंजो के पिता और भाई की मौत हो गई। ये एंजो के लिए बड़ा झटका था। उनके कंधों पर घर की जिम्मेदारी आ गई। इसी दौरान विश्व युद्ध भी छिड़ गया और उन्हें आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी। वॉर खत्म होने के बाद एंजो को नौकरी की तलाश थी। एंजो ने इस दौरान फीट में अप्लाई किया, लेकिन वे वहां से रिजेक्ट कर दिए गए। यहीं से शुरू हुआ रेसर बनने का सफर। फिर मिली नौकरी और नौकरी के लिए कई जगह भटकने के बाद उन्हें तुरिन शहर में एक टेस्ट ड्राइवर की नौकरी मिली। इस दौरान ड्राइविंग का उनका टैलेंट देखकर उनके एम्प्लायर ने उन्हें कार रेस में हिस्सा लेने के लिए कहा। एंजो फरारी के लिए ये सबसे खुशी का पल था और उन्होंने इसके लिए हाँ कर दिया। उन्होंने कई लोकल रेस में हिस्सा लिया और कुछ ही समय में उनका नाम पॉपुलर हो गया। एंजो फरारी एक सामान्य परिवार में जन्मे थे, लेकिन बचपन से ही उन्हें कारों का शौक था। फोटो साभार विकिपीडिया। अब आई वो रेस जिसने फरारी को जन्म दिया। एंजो को उस समय झटका लगा जब 1925 में उनके एक दोस्त की मौत कार रेस के दौरान हो गई। एंजो ने यहीं से रेसिंग की दुनिया को छोड़ दिया। इसके बाद एंजो ने एक बार फिर नौकरी की, लेकिन यहां से भी उन्हें निकाल दिया गया। रेस न करने लेकिन कारों से अपने प्यार को बरकरार रखने के लिए एंजो ने 1939 में एक कंपनी की स्थापना की और उसका नाम रखा फरारी। यहां पर उन्होंने रेस कारों का निर्माण शुरू किया। हालांकि शुरुआत में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे रेस कार से अलग भी कुछ बनाएंगे, लेकिन लोगों की डिमांड को देखते हुए उन्होंने आम लोगों के लिए भी कारों का निर्माण शुरू किया। फरारी की कारें दुनिया भर में लोगों की पहली पसंद बन गई। ले मैंस रेसिंग ट्रैक पर फरारी की कारों का कई सालों तक राज रहा। फोर्ड जैसी कंपनी भी फरारी के नाम से कांपती थी। उस दौरान फोर्ड वो कंपनी थी जो सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचती थी, लेकिन फिर भी फोर्ड की कारें मिडिल क्लास तक ही सीमित थी। फरारी को ये बात समझ आ गई और उन्होंने एक खास तबके के लिए ही कारों के निर्माण का फैसला किया। इसके चलते उन्होंने सीमित संख्या में गाड़ियों को बनाने का काम शुरू किया। ये गाड़ियां पावरफुल और स्टाइल के लिए फेमस होने लगी। कीजिए 60 लाख वाली कार के दर्शनागे देखें, आसानी से नहीं बन सकते। फरारी के मालिक अपनी कार को एक्सक्लूसिव रखने के लिए फरारी आज भी आसानी से नहीं खरीदी जा सकती है।
इसका कारण इसकी कीमत नहीं है। दरअसल फरारी के कुछ मॉडल ऐसे भी हैं जिसको लेने से पहले कंपनी ग्राहक की हैसियत का पता लगाती है। उदाहरण के लिए फरारी 07 मॉडल को खरीदने के लिए किसी को भी पहले से फरारी की किसी कार का मालिक होना जरूरी है, नहीं तो कंपनी कार नहीं बेचती है। आज फरारी को दुनिया की फास्टेस्ट और बेस्ट टेक्नोलॉजी कार्स में काउंट किया जाता है, लेकिन इस कार को बनाने के लिए एंजो फरारी ने कई कुर्बानियां भी दी। एक बेहतरीन कार को बनाने में उन्हें करीब 20 साल का समय लगा, जिसके बाद फरारी ने दुनिया की सड़कों पर कदम रखा।